क्या होगा अगर हम 10 शॉट्स को एक साथ अपलोड करें और 10 शॉट्स को एक एक करके हर दिन अपलोड करें। तो चलिए हम लोग इसी को इस वीडियो में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो चैनल ले लिए हैं, एक तो मेरा ये चैनल जिसका नाम है सोनिक स्विफ्ट, जो पहले AK सुमित भाई था, और दूसरा चैनल बायोजटेक को ले लिया है। अब चलिए वीडियो अपलोड करते हैं, शुरू करते हैं बायोजटेक में। मैंने यहाँ पर 11 वीडियो एक साथ अपलोड कर दिया है। अब पूरे 10 दिनों के बाद मैं चैनल खोल रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी वीडियो पर भी व्यूज नहीं आए। ये तो मोये मोये हो गया भाई, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं रोनाल्डो वाले वीडियो पर 6000 व्यूज आ गए और 12 सब्सक्राइबर भी हो गए। चलो कोई ना, तो इससे हम लोग सीखते हैं कि अगर आप दिन में 10 या 11 शॉर्ट्स डालते हैं तब भी वीडियो वायरल होने की संभावना कम है। इसलिए शॉर्ट्स एक ही डालो, लेकिन अच्छा कंटेंट का डालो, और हाँ सही समय पे डालो। जैसे बायोजटेक पे अगर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बीच में डालूं तो वीडियो वायरल हो जाती है। अगर आपको भी सही समय पर शॉर्ट्स कैसे डालना है ये सीखना है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और कमेंट करो टाइम, और मैं अगला वीडियो उसी पर डालूंगा। तो चलो अब हम लोग धासु पार्ट पे आते हैं, जो कि 10 दिनों में 10 शॉर्ट्स वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रोसेस 14 फरवरी से 24 फरवरी तक किया गया है। तो डे 1, पहले दिन पर जो डाला था उसका रिजल्ट आज यानी 26 फरवरी को देख रहा हूं, और इस वीडियो पर आए हैं पूरे 2600 व्यूज, जो कमाल का है, और इससे हम लोग को 12 सब्सक्राइबर भी मिले। दूसरे दिन पर जो डाला था उसका रिजल्ट देखे तो अब तक उसके 9300 व्यूज आए हैं, जो भाई साहब कमाल है, और इससे हम लोगों को 13 सब्सक्राइबर्स मिले। डे 3 पर जो डाला था उस पर हम लोगों को 5000 व्यूज मिले और 30 सब्सक्राइबर गेन हुआ। अगर मैं फ्री फायर से संबंधित शॉर्ट्स डालूं तो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ेंगे। डे 4 और 5 को जो वीडियो डाला था उस पर अब तक 1.4000 व्यूज और 5.8000 व्यूज और 1.9000 एंड 113 व्यूज आए हैं, जो मिलाकर पूरे 10000 व्यूज हो गए, और इस पर हम लोगों को 8+8+11+0 सब्सक्राइबर्स यानी पूरे 27 सब्सक्राइबर्स गेन हुआ। डे 6 को जो वीडियो डाला था उस पर अब तक 6.2000 व्यूज आए हैं और पूरे 22 सब्सक्राइबर गेन हो गए। डे 7 और डे 8 को देखें तो दोनों वीडियो में कुल व्यूज 5.3000 प्लस 3.1000 व्यूज आए हैं, जो टोटल 8.5000 व्यूज है, और सब्सक्राइबर्स देखे तो 11+2 सब्सक्राइबर्स बढ़े। डे 9 और डे 10 को देखे तो व्यूज गिर गए, क्योंकि एक वीडियो पर 115 व्यूज और दूसरे वीडियो पर फिर से 5300 व्यूज हैं। दोनों को ऐड करें तो 5500 व्यूज आए। तो जैसा कि यहां पर चैनल एनालिटिक्स देख सकते हैं, इस महीने हम लोग को 10 दिन में 45000 व्यूज आए हैं। अगर मैं इस चैलेंज को 30 दिन तक कंटिन्यू किया होता तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई ना कोई एक वीडियो 1,00,000 से ऊपर व्यूज पक्की लाती। पर मेरा मुख्य मकसद शॉर्ट्स नहीं, लॉन्ग फॉर्म वाले वीडियो हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 30 दिन का चैलेंज तय करूं तो सिर्फ 10,000 लाइक्स और 1,000 कमेंट्स कर दो, और जो टोटल सब्सक्राइबर गेन हुआ है वह चैनल के इनिशियल सब्सक्राइबर से डबल हो गया है। 2020 से लेके 2022 तक मैंने 60+ लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाए, और ये गेम प्ले मोंटाज का चैनल था, और सब्सक्राइबर्स कितने हुए, बस 101। मतलब भाई क्या बोलूं। चलो ये छोड़ो, अब मुख्य विषय पर आते हैं। तो मुझे 10 दिन में कुल सब्सक्राइबर्स मिले हैं 129, जो बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ एक छोटे यूट्यूबर जिसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। तो चलो, दिस वॉज सोनिक स्विफ्ट, आप सबका वन एंड ओनली AK सुमित भाई, आपसे अलविदा लेता हूं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।